हाय गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म्स को जनरेट करेंगे अपने टाइमर 2 के फेस करेक्ट पीडब्ल्यूएम मोड के थ्रू। और जो भी हम लोगों की यहाँ पर वेवफॉर्म जनरेट होगी उसकी जो ड्यूटी साइकिल है उसको हम लोग मैनिपुलेट करने वाले हैं अपने एडीसी के थ्रू। सो इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को एडीसी और पीडब्ल्यूएम दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता एडीसी क्या है, पीडब्ल्यूएम क्या है, इनकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। सो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया हुआ है एज एन एनालॉग इनपुट, ठीक है। अब यहाँ से जो भी आप लोगों का आउटपुट आएगा इसको हम लोग अपने एडीसी के फर्स्ट चैनल पे कनेक्ट करेंगे, और सेकेंडली जो भी हम लोग यहाँ पर पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म्स को जनरेट करने वाले हैं वो टाइमर 2 की हेल्प से करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी हम लोगों की वेवफॉर्म जनरेट होगी वो PB3 या फिर आप कह सकते हैं OC2 पिन के थ्रू ही होती है। अब जो भी यहाँ पर वेवफॉर्म हम लोगों की जनरेट होगी उसको हम लोग L293D IC के इनपुट में देंगे और इसके आउटपुट एंड में हम लोग अपने मोटर को कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हम लोगों की मोटर है ये 12 वोल्ट की है, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर जो L293D है इसकी 8th जो पिन है वहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। और आपको ध्यान देना है हम लोग यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको एक्सटर्नल क्रिस्टल ऑसिलेटर से फ्रिक्वेंसी देने वाले हैं, और ये जो हम लोगों का क्रिस्टल है ये 12 मेगा हर्ट्ज का है। अब इसके बाद अगर आप इसके ऑपरेशन को समझना चाहते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं। नाउ हम लोगों का देखिए इनिशियली जो पोटेंशियोमीटर है वो 0 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट दे रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का एडीसी कन्वर्जन का रिजल्ट होगा वो भी 0 होगा, और एडीसी रिजल्ट 0 है तो OCR2 की वैल्यू भी ऑफ कोर्स 0 होगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का यहाँ पर जो भी वेवफॉर्म जनरेट होगी उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 0% होगा, और इस वजह से हम लोगों का ये जो मोटर है वो भी अभी फिलहाल स्टॉप कंडीशन में है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो हम लोगों की इंक्रीज होने लग जाएगी। अब जैसे जैसे आप इसको यहाँ बढ़ाएंगे तो आप देखिए हम लोगों का यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो इंक्रीज होगी, और धीरे धीरे आपका जो मोटर है उसकी स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर हम इसको एकदम 50% कर दें तो आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो भी 50% हो चुकी होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग ये स्पीड भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगी। और अगर आप इसको यहाँ से एकदम 100% करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर जो ड्यूटी साइकिल है वो 100% आपको मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो यहाँ पर मोटर है वो भी एकदम 100% स्पीड से रन होगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके देख सकते हैं, हम लोगों का एडीसी के करस्पॉन्डिंग OCR2 की वैल्यूज यहाँ पर चेंज होंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो पीडब्ल्यूएम वेवफॉर्म है वो भी अपने ड्यूटी साइकिल को चेंज करती हैं। तो इस चीज़ के हम लोग इसके बाद प्रोग्रामिंग देखेंगे। प्रोग्रामिंग को समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी कुछ कैलकुलेशंस को देखना होगा, तो एक बार वो कैलकुलेशंस हम यहाँ से देख लेते हैं। सो फेज करेक्ट पीडब्ल्यूएम के करस्पॉन्डिंग हम लोगों की जो आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी है उसको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों के पास यहाँ पर ये फॉर्मूला है, और इनिशियली हम लोग यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन अलग अलग प्री स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पर अपना जो आउटपुट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सो यहाँ पर आप अगर अलग अलग प्री स्केलर्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये हम लोगों को अलग अलग यहाँ पर मिल जाएंगी। अब फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है जो मोटर है उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं पीडब्ल्यूएम वेव से तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो समथिंग अराउंड 1 किलोहर्ट्ज से फ्यू टेंस ऑफ किलोहर्ट्ज में होनी चाहिए। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इन फ्रीक्वेंसीज को यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आप इन प्री स्केलर्स को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर 1 या फिर 8 प्री स्केलर्स में से किसी एक को यूज़ करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 प्री स्केलर को यूज़ करूँगा।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर एडीसी के लिए अपने प्री स्केलर को चूज करना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों का जो एडीसी कन्वर्जन होता है उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर 50 किलोहर्ट्ज़ से 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच में ही फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है अगर आपको यहाँ पर बेटर रिजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का देखिए क्या है, 12 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पर सीपीयू की फ्रीक्वेंसी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप अलग अलग प्री स्केलर्स के लिए अपनी इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। ठीक है, बट आपको ध्यान देना है कि हमको 50 किलोहर्ट्ज़ से 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच में ही अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूज़ करनी होती है। तो यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको क्या है यहाँ पर जो रिजोल्यूशन होगा वो यहाँ पर एग्जैक्टली 10 बिट का नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को यहाँ पर प्रेफर करना है कि आप 64 या फिर 128 में से किसी एक ही प्री स्केलर को चूज करें। ठीक है, सो अब हम लोगों ने यहाँ पर टाइमर 2 के करस्पॉन्डिंग हम किस प्री स्केलर को यूज़ करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई कर लिया है, और सेम ऐसे ही हम लोगों ने जो एडीसी है उसमें किस किस प्री स्केलर को आप यूज़ करना चाहते हैं ये भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को देख लेंगे। सो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों ने जो सीपीयू है उसकी फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है जो कि 12 मेगाहर्ट्ज़ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर avr/io.h नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, और इंटरप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर avr/interrupt.h नाम की हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दो फंक्शंस को डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें जो पहला फंक्शन है वो आपका init adc फंक्शन है, और बेसिकली इस फंक्शन के थ्रू हम लोग जो एडीसी से रिलेटेड रजिस्टर्स होंगे उनको सेट करने वाले हैं। और सेकेंडली हम लोगों के पास यहाँ पर init timer2 नाम से फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू हम लोग जो टाइमर 2 से रिलेटेड रजिस्टर्स होंगे उनको सेट करेंगे। नाउ इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर init timer2 जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, आपके फंक्शन के डेफिनेशन में जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो init timer2 है इसकी डेफिनेशन एक्चुअली है क्या, या फिर ये फंक्शन जो है वो एग्जैक्टली क्या करने वाला है। तो देखिए ये हम लोगों का है init timer2 फंक्शन। सो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग जो TCCR2 रजिस्टर है इसको सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो है फेस करेक्ट PWM मोड को यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर जो WGM20 बिट है इसको 1 करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर आउटपुट लेना चाहते हैं वो नॉन इन्वर्टेड मोड में लेना चाहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर जो COM21 बिट है इसको 1 देना पड़ेगा। और एट लास्ट हम लोगों को यहाँ पर जो प्री स्केलर है वो 1 यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पर मोटर को यूज़ करने वाले हैं, और मोटर को रन करने के लिए हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो टेंस ऑफ किलोहर्ट्ज़ में होनी चाहिए। तो हम लोगों को यहाँ पर 1 प्री स्केलर के थ्रू ही ये मिल सकता है। तो 1 प्री स्केलर यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर जो है CS20 बिट इसको 1 करना पड़ेगा। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर इस लाइन में कर दी। अब इसके बाद जो भी हम लोगों का यहाँ पर आउटपुट आएगा वो बेसिकली OC2 या फिर PB3 पिन के थ्रू ही आता है, तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पिन को यहाँ पर आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर DDRB या फिर डेटा डायरेक्शन रजिस्टर के थ्रू PB3 जो बिट है इसको 1 करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो OCR2 रजिस्टर है उसमें इनिशियली वैल्यू 0 दे दी है। इसका ये मतलब है कि जो भी यहाँ पर आपकी वेवफॉर्म जनरेट होगी उसकी इनिशियली जो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल है वो 0% रहेगी। अब इतना फंक्शन रन होने के बाद अगेन हम लोगों का ये जो फंक्शन है वो कहाँ रिटर्न करेगा, वो मेन में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम लोगों का फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ था। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, SEI फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली हम लोगों का जो ग्लोबल इंटरप्ट है इसको इनेबल कर देगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर init adc जो फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोगों को देखना होगा जो init adc फंक्शन है उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या, या फिर ये जो फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या यहाँ पर काम करने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये हम लोगों का फंक्शन डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है adc sra जो रजिस्टर है उसको सेट कर रहे हैं। इनिशियली आपको यहाँ पर जो ADC है उसको इनेबल करना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो ADEN बिट होती है उसको आपने 1 दे दिया। फिलहाल हम लोग जो यहाँ पर ADC है उसको फ्री रनिंग मोड में यूज़ करना चाहते हैं, तो
तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर ए डी एफ आर जो रजिस्टर है उसको 1 देना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ए डी सी कंप्लीट इंटरप्ट इनेबल को यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि आपका जब भी ए डी सी कंप्लीट होता है वैसे हम लोगों का इंटरप्ट ट्रिगर होता है। तो अब अगर आप यहाँ पर इंटरप्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ए डी आई ई जो बिट है इसको यहाँ पर 1 करना पड़ेगा। ये आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो लोकल इंटरप्ट है इसको यहाँ पर इनेबल किया, ग्लोबल इंटरप्ट को हम लोग जस्ट प्रीवियसली वहाँ पर एस सी आई फंक्शन के थ्रू इनेबल कर चुके हैं। अब इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो प्री स्केलर है वो 128 लेना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर ए डी पी एस 2, ए डी पी एस 1 और ए डी पी एस 0 जो है इन तीनों को ही 1-1 वैल्यू देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्री स्केलर 128 क्यों लिया है, देखिए मैंने आपको बताया था जो हम लोगों का एडीसी कन्वर्जन होता है उसके लिए हम लोगों को जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की नीड होती है वो 50 से 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच में होती है। तो हम लोगों का ये जो 128 प्री स्केलर है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर जो है जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो 50 से 200 किलोहर्ट्ज़ के बीच में ही मिलती है, इस वजह से हम लोग इस प्री स्केलर को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 64 प्री स्केलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे जो बिलो प्री स्केलर्स होंगे उनको आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ए डी मक्स रजिस्टर को सेट कर रहे हैं। अब बेसिकली ए डी मक्स रजिस्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पर अपना रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना चाहते हैं। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज फिलहाल मैं यहाँ पर ए वी सी सी को ही लेना चाहता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो आर ई एफ एस 0 बिट है इसको आपने 1 करना पड़ेगा। और सेकेंडली हम लोग जो यहाँ पर कन्वर्जन करवाना चाहते हैं वो ए डी सी के फर्स्ट चैनल के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो ए डी मक्स रजिस्टर है उसका जो मक्स 0 बिट है इसको आपने 1 करना पड़ेगा। अब इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर एडीसी कन्वर्जन को स्टार्ट भी करना होगा, तो एडीसी कन्वर्जन को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एडीसीएसआरए रजिस्टर जो है उसमें एडीएससी बिट है इसको 1 करना होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस फंक्शन के थ्रू अब कर ली हैं। अब इतना होने के बाद हम लोगों का फंक्शन क्या है वो रिटर्न होगा फिर से मेन में, तो यहाँ पर हम लोगों का मेन है। अब इसके बाद देखिए हम लोगों के पास वाइल वन लूप आएगा जो कि एक इनफाइनाइट लूप है, और इस लूप के अंदर हम फिलहाल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए हम लोगों का जो एडीसी है वो फ्री रनिंग मोड में है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पर एडीसी कन्वर्जन करवाता रहेगा। अब जब भी हम लोगों का यहाँ पर कन्वर्जन कंप्लीट होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर इंटरप्ट जो है उसको इनेबल करके रखा हुआ है, तो जैसे ही आपका यहाँ पर एडीसी कन्वर्जन कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर इंटरप्ट ट्रिगर होगा और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो यहाँ पर आईएसआर है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब आईएसआर के थ्रू हम लोग यहाँ पर जो ओसीआर 2 है उसकी वैल्यू को यहाँ पर मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आईएसआर के अंदर अपनी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का एडीसी के करस्पॉन्डिंग आईएसआर है। अब इसमें हम लोग जब भी यहाँ पर एडीसी कन्वर्जन कंप्लीट होगा तो ओसीआर 2 जो है उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका एडीसी का रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी वो रिजल्ट आएगा उसको फिर आप ओसीआर 2 में देंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अब हम लोगों ने यहाँ पर 4 से ही क्यों डिवाइड किया। देखिए हम लोगों का जो यहाँ पर एडीसी है उसका रिजोल्यूशन होता है 1024, और जो हम लोगों का यहाँ पर ओसीआर 2 है उसका रिजोल्यूशन होता है 256। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें 1024 को अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं 256 से तो आपको रिजल्ट यहाँ पर 4 मिलेगा। इसका ये मतलब है कि आपके एडीसी की 4 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो ओसीआर है उसकी एक वैल्यू समथिंग इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब समझते हैं ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। देखिए इनिशियली अगर आपका यहाँ पर एडीसी का जो रिजल्ट है वो 0 होगा तो आपको ओसीआर 2 में भी वैल्यू यहाँ पर 0 ही मिलने वाली है। बट अब सपोज कीजिए अगर आपका यहाँ पर जो एडीसी है उसकी वैल्यू 1023 होती है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं हम लोग, अगर 1023 आपकी वैल्यू होती है तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका बेसिकली यहाँ पर वैल्यू आएगी 255.75। बट यहाँ पर जो OCR 2 है उसमें हम लोगों की इंटीजर वैल्यू ही जाती है तो आपका बेसिकली यहाँ पर OCR 2 में 255 वैल्यू जाएगी। तो OCR में अगर आपकी वैल्यू 255 होगी तो 100% यहाँ पर आपको ड्यूटी साइकिल मिलेगा। सेम ऐसे आप लोग और भी यहाँ पर ADC की जो रिजल्ट है उसके करस्पॉन्डिंग OCR 2 में क्या वैल्यू जाएगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों का यहाँ पर 511 वैल्यू होती है ADC की
तो इसके करस्पॉन्डिंग आप लोगों का यहाँ पर जो है वैल्यू 127 जाएगा। तो 127 के करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 50% आपको मिलेगा। तो ये हम लोगों का पूरा प्रोग्राम है, अब इसको हम लोग यहाँ से बिल्ड करके देख लेते हैं। सो बिल्ट हो चुका है ये प्रोग्राम, इसके बाद इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सो हार्डवेयर को हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलता है जो कि ऑनबोर्ड है, और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर एडीसी कन्वर्जन करवाने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, वैसे हम लोगों का जो एडीसी का रिजल्ट है वो भी चेंज होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का जो ओसीआर टू है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, और ओसीआर टू की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही हम लोगों का यहाँ पर ड्यूटी साइकिल जो है वो जनरेट होता है। तो इनिशियली हम लोगों का जो यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस है ये 0 वोल्टेज आउटपुट दे रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों का यहाँ पर ड्यूटी साइकिल भी 0% है। तो आप देख पाएंगे हम लोगों का जो मोटर है वो भी ऑफ कंडीशन में है, और साथ ही हम लोगों का यहाँ पर एक एलईडी है जो कि PB3 से कनेक्टेड है वो भी ऑफ है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखिए हम लोगों का PB3 जो है एलईडी वो ऑन हो चुकी है, बट मोटर अभी ऑन नहीं हुई है क्योंकि इसको थोड़ा सा हाई वोल्टेज चाहिए होती है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे और अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो देखिए अब हम लोगों का जो मोटर है वो रोटेट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम लोगों का एडीसी की वैल्यू भी चेंज होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पर ड्यूटी साइकिल भी चेंज होगी। तो देख सकते हैं आप लोग हम लोगों की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसको मैं एकदम से यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ तो देखिए आप लोग हम लोगों की स्पीड जो है वो एकदम मैक्सिमम यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। और इंटेंसिटी भी आप लाइट की यहाँ पर देख पाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगेन अगर आप इसको यहाँ से डिक्रीज करेंगे वैल्यू को तो वैसे वैसे आप देख पाएंगे हम लोगों का जो स्पीड है वो भी धीरे धीरे कम होती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, एक पोटेंशियोमीटर को यूज़ किया है। इसकी जगह आप चाहें तो यहाँ पर और भी किसी सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप लोग टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग आप अपने डीसी मोटर की स्पीड को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सेंसर्स को आप लोग यहाँ पर इस कंसेप्ट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।